सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी का जैसा कि आपको पता है क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, उसके ऊपर भी हम दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे भी, देखो क्वार्टर टू में जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रीवियस क्वार्टर से आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नजर आया है। तो प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 4 डिजिट में हमें जो ना प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन अब की बार सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में। तो इसका क्या इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर पड़ता नजर आएगा, क्या स्टॉक के अंदर कल बड़ी गिरावट होने वाली है? तो आपके बहुत सारे सवाल होंगे, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हमें बाय होल्ड सेल आखिरकार क्या करना चाहिए, तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिजल्ट। रिजल्ट जैसा कि आप देखोगे हमारी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको रिजल्ट इसका कंप्लीट दिखाया भी, लेकिन यहाँ पर भी हम जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे रिवेन्यू की बात करिए तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में जो रिवेन्यू हमें होते हुए नजर आया 1442 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1383 करोड़ का। तो प्रीवियस क्वार्टर से अब की बार आप देखोगे रिवेन्यू में फिर से जंप आते नजर आया, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर रिजल्ट से भी आप देखोगे हमें जो ना अच्छा जंप देखने को मिला है। हाफ ईयर की बात करें तो वहां पर भी आप देखोगे रिवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इसके जो एक्सपेंस की बात करें तो 1427 करोड़ के रहे हैं, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1376 करोड़ के। तो प्रीवियस क्वार्टर से अब की बार फिर से आपको इसके एक्सपेंसिस में जंप देखने को मिला है। वहीं आप देखोगे हाफ ईयर में भी आपको जो है एक्सपेंसिस में जंप देखने को मिला है, बट अब की बार जो रिवेन्यू उसके एक्सपेंस से ज्यादा होती हुई नजर आए, तो फिर से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे जो प्रॉफिट है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। यहाँ पर आप देखोगे भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो रहा है अब की बार 56 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 2432 करोड़ का। जी हाँ, 2432 करोड़ का हमें ये प्रॉफिट देखने को मिला था, जबकि उससे प्रीवियस ईयर के सितंबर क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी को लॉस। तो प्रीवियस ईयर के सितंबर क्वार्टर से प्रॉफिट देखने को मिला, और प्रीवियस सितंबर क्वार्टर से प्रॉफिट है, बट प्रीवियस क्वार्टर से आप देखोगे भाई बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट नजर आया है। तो इसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर हमें बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि भाई आपके बार आप देखोगे अदर इनकम हमें जो है कम होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से आप देखोगे प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। तो यही सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में हमें जो ना 2400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होते नजर आया, उसके अपोजिट आप देखोगे अब की बार प्रॉफिट में गिरावट हुई है। तो इसका इफेक्ट तो स्टॉक के ऊपर पड़ना ही है। तो चलिए अब हम इसके लेवल्स देख लेते हैं, आखिरकार क्या लेवल्स निकल रहे हैं चार्ट पर, कल क्या हो सकता है स्टॉक के अंदर, कहीं 20% की हैवी गिरावट तो नहीं होने वाली है? तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट पर जो हमें लेवल्स मैंने आपको पहले बताए थे कि स्टॉक आपको ऊपर में 40 रुपये 45 पैसे के लेवल दिखा पाएगा, आज की बात है तो आप देखोगे लगभग स्टॉक हाई गया है 8 रुपये 35 पैसे, जबकि मैंने आपको इसका बताया था 8 रुपये 45 पैसे, कोई बात नहीं वहाँ तक लगभग गया ही है। लेकिन अब जो इसका इफेक्ट है वो हमें पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर की वजह से। जी हाँ, क्वार्टर टू की वजह से आप देखोगे ये जो इफेक्ट हमें नेगेटिव पड़ते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर फिर से अच्छी वापसी हमें देखने को मिली इस लेवल से, बट यहाँ पर जो स्टॉक है छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर जब ऊपर जाते हैं ना भाई, तो एकदम से गिरने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जब जब आपने देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा स्टॉक जो है ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कैंडल बनाकर ऊपर जाए ना, तो फिर ऊपर से एक बड़ी कैंडल के साथ जो है ना आपको नीचे गिरावट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ऑलरेडी जो ना थोड़ी थोड़ी कैंडल बनाकर छोटी छोटी कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ भागा है, अच्छी तेजी दिखाई है, बट क्वार्टर टू की वजह से आप देखोगे बड़ा फॉल भी हो सकता है कल के दिन, क्योंकि भाई क्वार्टर टू में जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा कम होते हुए नजर आए हैं, जिसका इफेक्ट हमें स्टॉक पर पड़ते हुए नजर आएगा। बट सेल्स और जो ना उसके अंदर कोई आपको जो ना चेंजेस देखने को नहीं मिला, सेल्स आपको जो ना अब की बार भी बढ़ते हुए नजर आए हैं प्रीवियस क्वार्टर से, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ से आप देखोगे भाई स्टॉक के ऊपर जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा बहुत पड़ेगा, तो नीचे में जो सपोर्ट रहेगा, ठीक है, ये बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है सुबह सुबह। तो नीचे में हमारा जो पहला, अगर स्टॉक इस लेवल पर ओपन होता है, ठीक है, तो फिर जो स्टॉक आपको ये थोड़ा बड़ा लॉस भी दिखा सकता है भाई। तो ये वाला जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर स्टॉक इस लेवल पर ओपन होता है 7 रुपये 65 पैसे के आसपास, ठीक है, अगर इस लेवल पर ओपन होता है तो फिर जो स्टॉक आपको ये बड़ा फॉल दिखाएगा, और जैसे ही आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर बड़ा फॉल हो गया ना, तो फिर आप नीचे से स्टॉक को उठाना कल के दिन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बड़ा गैप के साथ स्टॉक ओपन होगा ना, तो वहां पर इंट्राडे में प्रॉफिट करने का, जी हाँ, इंट्राडे में प्रॉफिट अर्न करने का सबसे बेस्ट मौका रहेगा। आप जैसे ही स्टॉक जो ना 8-10% के आसपास नीचे में ओपन हो, वहां से स्टॉक के अंदर तुरंत एंट्री लेना, और स्टॉक आपको जो ना फिर से जो ये गैप डाउन होगा ना, ये गैप भरते हुए नजर आने वाला है। तो ये रहेगा कल का स्ट्रेटेजी, अगर कल थोड़ी थोड़ी कैंडल बनाकर स्टॉक डाउन आए तो वहां से आप जो ना स्टॉक से अभी हाल फिलहाल दूर रहना। अगर बड़ी कैंडल के साथ गैप डाउन में ओपनिंग लें, जैसा कि आपने आज देखा टाटा मोटर के अंदर, टाटा मोटर आप देखोगे बड़ी फॉल
$1,000 हमें देखने को मिली और ऊपर से बड़ी कैंडल सा स्टॉक हमें जो है एकदम गैप डाउन में ओपन होते नजर आए। उसके बाद आप देखोगे भाई स्टॉक ने फिर से रिकवरी की थी, 409 रुपये से स्टॉक वापसी आप देखोगे 417 पर गया था और इंट्राडे में आप देखोगे कितना जबरदस्त प्रॉफिट बना दिया था। नीचे जिन्होंने उठाया उनको अच्छा प्रॉफिट है। उसी प्रकार आप देखो सुलाना नजर के अंदर हो सकता है, कल के दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेवल। अगर स्टॉक इस लेवल के आसपास ओपनिंग लेते हुए नजर आए 7.65 रुपये के आसपास तो वहाँ से सबसे बेस्ट मौका होगा स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई देखो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।